हेलो व्यूअर्स, मैं हामिद एक बार फिर से आपका बजीज बर्ड्स केयर गाइडलाइन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो है, सुनील भाई ने हमें अपनी वीडियो शेयर की है। उन्होंने जो है हमें बताया है कि वो अपने बर्ड्स को इस गर्मी में किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो को पूरा, इस वीडियो को देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं, उनकी वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं सुनील निगम फ्रॉम आगरा। मेरे बड़े भाई हामिद भाई के चैनल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो बजीज बर्ड केयर गुड लाइन जो चैनल है उनके लिए बना रहा हूँ। तो भाई, मैं आपको आज दिखाऊंगा, लोग बाग गर्मी के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, मगर मैंने भाई अभी मेरा देखो ओपन छत से आपको दिख रहा है, मैंने अभी छत से कर रखा है भाई, और मैं आपको दिखाऊंगा। ओनली मैंने ये ग्रीन नेट लगा रखी है, ओनली आप देख सकते हो, ओनली ग्रीन नेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। और मेरे बर्ड्स आप देख सकते हो कि कोई भी बर्ड मेरा इतना हाँप नहीं रहा होगा, तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो आप मेरा थोड़ा सा मेरे बर्ड्स देखिए, सब आराम है और कोई आपको मेरा एक भी बर्ड हाँपते हुए नहीं दिख रहा होगा, एक दो मादियाँ सिर्फ हाँप रही हैं, बाकी नहीं कोई भी, देखो सारे आप। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पंखा चालू किया है भाई, और पंखा भी मेरा कोई इतना बड़ा नहीं है, या लोग बाग इसी समझते हैं गर्मी को। हाँ, मैं मानता हूँ गर्मी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप सबसे पहली बात गर्मी के लिए जो मिट्टी की बर्तन आता है भाई, जब पानी थोड़ा ठंडा रहता है तो बर्ड उसके पास में रहते हैं। और सेकेंड चीज, आप मैंने सिर्फ देखिए इतनी दूराई से पंखा लगा रखा है, अभी मैं थोड़ा से पास कर दूँगा, और ओनली धूप के लिए मैंने ये ग्रीन नेट लगा रखी है, और सिर्फ बचाने के लिए। और आप देख सकते हो कि कितनी तेज इस समय पे लू चल रही है, तो सिर्फ ओनली इधर से हल्की सी हवा आती है, काफ़ी वक्त इतना एरिया मैंने ओपन कर रखा है, इससे ज़्यादा नहीं। और आप देख सकते हो कि इस हिसाब से मैंने ये लगा रखा है, ठीक है सर, आप लोग देखिए। और मैंने इतना कोई ज़्यादा काम नहीं कर रखा है भाई, सस्ते में ही निपटा रखा है सारी चीज़ें। और जो मैंने अभी पंखा लगाया है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा पास कर दूँगा, और आप मेरे पास देख सकते हो, ताकि मैं इनके लिए कुछ इतना प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, आपको मैं पास से दिखा सकता हूँ, मेरा एक दो बर्ड ही हाँप रहे होंगे, बाकी मेरा कोई सा भी बर्ड नहीं हाँप रहा होगा। देखिए, आपको सब चीज़ सामने दिखा रहा हूँ, और देखिए अभी भी मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मैंने इनकी हांडियाँ उतार ली, इसलिए नहीं कि अभी बच्चे हैं सारी हांडियों के अंदर, और मैं इसके बाद में बुझे नहीं लूँगा। और बाकी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिए, आपको सब कुछ दिख रहा होगा मेरी केज के अंदर। और सिर्फ ओनली इस समय पर मैं कंगनी और बाजरा, और सुबह मैंने इनको रोटी दी थी भाई, जो रोटी होती है ना मोर कर, वो दी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। और गर्मियों को बचने के लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा, जो मेरे बड़े भाई मनमीत सिंह जी अजमेर में डॉक्टर हैं, बर्ड्स के डॉग्स के, मतलब एनिमल्स डॉक्टर हैं वो, किसी भी प्रकार का जो भी एनिमल हो उसके लिए। उन्होंने मुझे एक, मैं अजमेर घूमने के लिए गया था, तो भाई उन्होंने मुझे एक मेडिसिन ली थी, लिक्विड दिया था कि आप इसको दीजिए, इससे आपके बर्ड्स के अंदर मतलब उनकी जो फैदर होते हैं ना, उनमें चमक आएगी और इतना गर्मी से परेशान भी नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ उनमें विटामिन वगैरह की जो भी कमी होती है या कैल्शियम वगैरह की, सारी प्रोवाइड होंगी। इसके साथ में इतना मुझे जानकारी नहीं, उन्होंने जितना मुझे बताया मैं उतना बता रहा हूँ वैसे। और मैं आपको एक चीज़ को भी दिखा रहा हूँ, मैं कौन सी चीज़ देता हूँ उस मेडिसिन को भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग सब देखिएगा, मैं भी दो मिनट में अंदर से लेके आ रहा हूँ, ठीक है सर। तो ये वो मेडिसिन है जो मनमीत सिंह ने मुझे दी थी, और मैं इसी को प्रोवाइड कराता हूँ, आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। देखिए, और ये मेडिसिन है, उसकी कॉस्ट 390 रुपये है, मगर उन्होंने तो मुझे गिफ्ट बतौर दी थी, गिफ्ट दिया था उन्होंने मुझे, बोला कि आप तो इसको आप अपने बर्ड्स को दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये इसकी जो इसके अंदर ताकत हैं, तो यही आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कराइए, बहुत अच्छा रहेगा।
और मेरे बर्ड्स आप देख रहे हो, आप खुद देखिए, एक एक बर्ड्स को मैं आपको दिखाऊंगा, सारे बर्ड्स, एक भी बर्ड्स आपको देखो, फेदर तो थोड़ा बहुत फुलाते हैं मगर इस समय पे देखो लगभग एक या डेढ़ बज चुका है और फुल गर्मी अपने चरण पे है इस समय पे। आप बाहर देख रहे हो और देखो मेरे बर्ड्स सारे शोर मचा रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, और कोई भी देखो एक भी बर्ड्स मेरा, एक दो जो मादियाँ अंदर से निकल रही हैं बस वही थोड़ी दिक्कत में है और बाकी कोई दिक्कत में नहीं है बिल्कुल। ठीक है सर, आपको मेरा कॉलोनी केज कैसा लगा और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए कितनी तेज़ हवा है और कितनी तेज़ धूप है, आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ भाई। आप तो शायद ऊपर देख ही नहीं पाओगे, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ देखिएगा, अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड कराइए मेरे कहने से, और 1 लीटर पानी में 1 ml आपको देना है डेली, 1 लीटर पानी में 1 ml आपको डेली देना है कंटिन्यू, जितने दिन गर्मियां पड़े उतने दिन, और जैसे ही गर्मियां थोड़ा कम हो जाएं तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन दीजिए। ठीक है सर, ओके, बाय बाय। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने अपने बर्ड्स को इस तरह से रख रखा होगा उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं चाहता हूं कि आप जो है ना अपने बर्ड्स को ये जो इन्होंने मेडिसिंस बताई है वो ला करके अपने बर्ड्स को ज़रूर दें, ताकि इस गर्मी में हमारे बर्ड्स जो है ना हेल्दी रहें, सेफ़ रहें और उनको कोई दिक्कत ना हो। प्लीज़ जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं 25 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।